जी अस्सलामुअलैकुम। AFC स्टूडेंट्स के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ICAP ने रिसेंटली 9 अप्रैल को अपलोड की अपनी वेबसाइट पर। उसने स्पेसिफिक गाइडेंस दी है, एग्ज़ाम गाइडेंस समर 20 एंड ऑटम 20 के अटेम्प्ट के लिए। उसमें AFC 4 IT को उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर वो डिटेल की है, बताया है, कुछ उन्होंने इश्यूज़ क्लियर किए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आपकी विंडो 10 आपकी एग्जामिनेबल है, अगर आपकी बुक में विंडो 8 बनी हुई है, विंडो 7 है चैप्टर 1 2 एंड 3 के अंदर, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि विंडो 10 एग्जामिनेबल होगी, विंडो 7 या 8 नहीं होगी। उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आपका एक्सेल है, आपका वर्ड है, आपका पावर पॉइंट है, मे बी आपकी स्टडी टेक्स्ट में 2010 वाला वर्जन हो, तो वो कह रहे हैं कि अब जो टेस्टेबल है, एग्जामिनेबल है, वो 2016 होगी। उसके अलावा आपकी स्टडी टेस्ट का जो पेज 2 है उस पर कोई एग्ज़ाम नोटिस गिवन है, तो वो कह रहे हैं कि उसमें कोई चेंज ऑफ सिलेबस नहीं है, तो आप ये कंसिडर करें कि वो जो एग्ज़ाम नोट गिवन है वो डिलीटेड कंसिडर करें, क्योंकि आपकी स्टडी टेस्ट का पार्ट नहीं है। फिर आपका चैप्टर 15 है आपकी स्टडी टेस्ट का, ICAP का, उसमें है यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। वो कह रहे हैं कि द शॉर्टकट्स, देयर इज़ नो चेंज इन द सिलेबस, लर्निंग आउटकम और एग्जाम पैटर्न, द यूजफुल शॉर्टकट्स हैव ओनली बीन इंक्लूडेड इन द स्टडी टेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग ओनली एंड आर नॉट एग्जामिनेबल। मतलब चैप्टर 15 के अंदर जो शॉर्टकट कीज हैं वो पेपर में नहीं आने, वो एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ एवर शॉर्टकट्स कवर्ड इन ऑल अदर चैप्टर्स शैल बी एग्जामिनेबल। चैप्टर 15 के अंदर जो यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो एग्जामिनेबल नहीं है। उसके अलावा बाकी चैप्टर के अंदर जो शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप एक्सेल में करते होंगे, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Alt+Shift एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो एग्जामिनेबल हैं, लेकिन चैप्टर 15 वाले एग्जामिनेबल नहीं है। इससे पहले क्या होता था कि आपको पेपर में आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते थे, आप हेल्प पे क्लिक करते, ऑप्शन वहाँ पर इशू बताते, वो आपको आंसर करता, आप वहाँ पर टिक कर लेते थे जब तक MS 10 था। लेकिन MS जो 16 है, Office 16 है, एक्सेल है, जो भी है, उसमें जो आपकी हेल्प है वो ऑनलाइन है, जो आपका हेल्प वाला फंक्शन है जो एक्सेल में आप यूज़ करते हो, जब तक इंटरनेट नहीं होगा वो फंक्शन काम नहीं करेगा। और आपको पता है कि पेपर में ICAP आपको इंटरनेट की एक्सेस नहीं देता, तो ये बैड न्यूज़ है कि अब आपकी जो IT के पेपर में जो आप हेल्प वाला फंक्शन है, परमिशन है, वो अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पर वो कह रहे हैं विद द Office वर्जन 16 ऑफिस हेल्प इज़ ओनली अवेलेबल ऑनलाइन, सिंस एक्सेस टू इंटरनेट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, देयरफोर ऑफिस हेल्प विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द एग्जामिनेशन। अब जो IT के पेपर में आपको ऑफिस की हेल्प अवेलेबल नहीं होगी, ये थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। तो अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पेपर को में अपीयर होने के लिए।